Students, today you are going to study a chapter number 3, care of our body parts. हम body parts की कैसे care करते हैं हम उसके बारे में study करेंगे. God has gifted us a wonderful machine. God ने हमें एक wonderful machine gift की है जो है हमारी body. हमारी body काफ़ी सारे activities एक साथ perform करती है. It is therefore our duty to take proper care of our body and keep it healthy. इसलिए हमारी ड्यूटी होती है कि हम हमारी बॉडी की प्रॉपर केयर करें और उसे हेल्दी बनाए रखें. टू बीइंग हेल्दी वी शुड फॉलो सम रूल्स. हेल्दी रहने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए. केयर ऑफ टीथ, सबसे पहले टीथ की केयर करना. वी शुड रिंस आवर माउथ विथ वाटर आफ्टर ईटिंग एनीथिंग टू रिमूव द फूड पार्टिकल्स विच मे कॉज देयर डिके. जब भी हम खाना खाते हैं हमें हमारे माउथ वाटर से वॉश करना चाहिए. क्यों? ताकि जो भी फूड पार्टिकल्स आपके टीथ में रह गए हैं वो रिमूव हो जाए, उससे आपके टीथ डिके ना हो. टूथ डिके इज़ द प्रोसेस डैट रिजल्ट इन अ कैविटी. टूथ डिके वो प्रोसेस होती है जिससे आपके रिजल्ट कैविटी हो जाती है टीथ में. इट अकर्स व्हेन बैक्टीरिया इन योर माउथ मेक एसिड्स दैट डैमेज अ टूथ. ये कब होती है? जब बैक्टीरिया आपके माउथ में आ जाता है, एसिड छोड़ता है और आपके टीथ डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं. और अगर उसे ट्रीट नहीं किया गया, उसे ध्यान नहीं रखा गया, तो आपके दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है, इन्फेक्शन होता है और आपके दांत खराब होने लग जाते हैं. द लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स कॉज सिक्रीशन ऑफ एन एसिड विच डैमेज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ टीथ कॉल्ड इनेमल. जो आपके लेफ्ट ओवर फूड बच जाते हैं, जो फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में रह जाते हैं, वो एसिड सिक्रीट करते हैं जिससे आपकी दांतों की प्रोटेक्टिव कवरिंग डैमेज होने लग जाती है, जिसे हम इनेमल बोलते हैं. सो हम टूथ डिके से कैसे बच सकते हैं? कुछ आपके सिंपल वेज होते हैं. पहले है ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. अपने टीथ को ब्रश करो दिन में 2 बार. कभी भी हार्ड टूथ ब्रश आपको यूज़ नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो आपके गम्स को इंजर कर सकता है, आपके इनेमल डैमेज कर सकता है. कभी भी ऐश या फिर कोल डस्ट आपके टीथ को क्लीन करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए. इससे आपके टीथ ख़राब होते हैं एंड गम्स भी, आपके मसूड़े. ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक एप्पल, वावा, कैरेट्स एंड रेडिश विच एक्सरसाइज योर टीथ एंड गम्स. आपको फ्रूट्स ईट करने चाहिए, वेजिटेबल्स ईट करने चाहिए, जैसे कि गुआवा, कैरेट एंड रेडिश, जिससे आपके दांतों की एक्सरसाइज हो, आपके टीथ और मजबूत हो. आफ्टर ब्रशिंग टीथ जेंटली मसाज द गम्स विद द फिंगर्स. दे विल इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन इन गम्स एंड मेक दैम हेल्दियर. जब भी आप टीथ ब्रश कर लेते हो, उसके बाद आपको आपके मसूड़ों की मसाज करनी चाहिए फिंगर्स से. इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है गम्स का, वो अच्छा होता है. बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स और स्वीट्स खाना हमें अवॉइड करना चाहिए. Do not open bottles or crack hard nuts like walnut or any other hard things with teeth. कभी भी जो बॉटल के नेक होते हैं, राइट, जो बहुत हार्ड है, वो अपने दांतों से नहीं तोड़ने चाहिए, ना ही आपको वॉलनट रिमूव करनी चाहिए. विजिट योर डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ. आप अपने डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने में जाते रहने चाहिए रेगुलर चेकअप के लिए. देन bathing. Bathing क्या होता है? वी शुड टेक अ कम्प्लीट bath डेली. हमें डेली कम्प्लीट bath लेना चाहिए. क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी पर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो काफ़ी सारी डिजीज़ कॉज करते हैं जो हमारी स्किन पर चिपक जाते हैं. वो हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं अगर हम डेली बात नहीं करेंगे. वी शुड यूज़ अ गुड क्वालिटी सोप. हमें अच्छी क्वालिटी का सोप यूज़ करना चाहिए. आपकी आर्मपिट्स, थाइस, ईयर ल्यूब्स, आईलिड्स, ये सबको आपको प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए. वी शुड वॉश अवर हेयर एंड सोप एंड वाटर एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक. आपको अपने हेयर को साबुन और पानी से वीक में 2 बार साफ करना चाहिए. द कीप हेयर क्लीन एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइस एंड डैंड्रफ. इससे आपके जूहों से या डैंड्रफ होने से बच सकता है. ऑल्सो वी शुड नॉट ऑयल आफ्टर एवरी वॉश टू मेक हेयर हेल्दी एंड शाइनी. और आपको ऑयल भी यूज़ करना चाहिए जब भी आप अपने बाल वॉश करते हैं, ताकि आपके हेयर हेल्दी रहे और शाइन करे. आफ्टर बाथिंग वी शुड ड्राई आवर बॉडी विद क्लीन टॉवल. जब आप नहा लेते हैं, उसके बाद आपको आपकी बॉडी क्लीन टॉवल से साफ करनी चाहिए. केयर ऑफ लिम्स एंड बैक. लिम्स और बैक की कैसे केयर करनी चाहिए? टू कीप द होल ऑफ अ बॉडी हेल्दी एंड फिट वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली. आपकी बॉडी हेल्दी रहे और बिल्कुल फिट रहे, इसके लिए आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए.
कुछ एक्सरसाइज होती है हमारे लिए जो हमारी बॉडी को फिट करती है, जैसे कि साइकिलिंग। साइकिलिंग एक गुड एक्सरसाइज है आपके लिम्स और बैक के लिए। स्किपिंग और जॉगिंग जो है ये भी आपके लिम्स और शोल्डर के लिए अच्छी एक्सरसाइज होती है। वी शुड प्ले गेम्स लाइक फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल। आपको फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल ये गेम्स खेलने चाहिए डेली 1 to 1.5 hours, ताकि फिजिकल एक्टिविटीज़ आपकी होती रहे, आपका माइंड और बॉडी रिफ्रेश रहे, अच्छे से वर्क करे। वी शुड ऑल्सो नो द करेक्ट पोस्चर ऑफ अ बॉडी वाइल सिटिंग, वॉकिंग और स्टैंडिंग। हमें करेक्ट पोस्चर में बैठना चाहिए ताकि हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से वर्क कर सके, उसमें कोई ज़्यादा दर्द ना हो। वी शुड नेवर सिट इन अ स्लाउसिंग पोस्चर और विद बैक एंड शोल्डर्स बोर्ड। आपको कभी भी झुककर नहीं बैठना चाहिए। अगर आप झुककर बैठते हैं तो आपको जल्दी थकान होती है और आपके बैक एक होता है, पीठ में दर्द होता है। वी शुड कीप आवर शोल्डर्स, बैक एंड नेक स्ट्रेट वाइल स्टैंडिंग और वॉकिंग। आपको अपने शोल्डर्स, बैक और नेक को स्ट्रेट करके रखना चाहिए जब भी हम वॉक करते हैं या खड़े होते हैं। केयर ऑफ हैंड्स एंड फीट। अब आप अपने हाथों की और फीट की कैसे केयर कर सकते हैं? आफ्टर प्लेइंग गेम्स और इन मैनी अदर एक्टिविटीज़, जब भी आप कोई गेम खेल रहे हैं या कोई भी दूसरी एक्टिविटी, तो अपने हाथों को और फीट आपके डर्टी हो जाते हैं, ख़राब होते हैं। मैनी जर्म्स कैन एंटर इन आर बॉडी इफ़ वी डू नॉट वॉश देम प्रॉपरली। सो जब आपके वो डर्टी हो रहे हैं हैंड्स और फीट, जर्म्स इकट्ठे होते जाएंगे अगर हम उसे अच्छे से प्रॉपरली वॉश नहीं करेंगे। सो हमें हमारे हैंड्स और फीट को प्रॉपरली एंटीसेप्टिक सोप या लोशन से वॉश करना चाहिए। जब आप सोप्स को अप्लाई कर लेते हैं तो आपको अपने हैंड्स को अच्छे से रब करना चाहिए और फिर सोप को वाटर से रिमूव कर लेना चाहिए। वी शुड वॉश अवर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग। और जब भी आप कुछ खाना खाने जाओ तो उससे पहले भी अपने हैंड को वॉश करो। केयर ऑफ सेंस ऑर्गन। अब आपको पता है अपने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो हम उसकी केयर कैसे करते हैं? सेंस ऑर्गन्स आर वेरी वेरी डेलिकेट ऑर्गन, सो वी शुड टेक केयर ऑफ देम वेरी केयरफुली। सेंस ऑर्गन बहुत डेलिकेट ऑर्गन होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए हमें उसकी प्रॉपरली केयर करनी चाहिए। केयर ऑफ आइस। सबसे पहले आइस की देखेंगे। आइस क्या होती है? हमारे लिए बहुत प्रीशियस होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हमें ये पूरा वर्ल्ड, हमारे आसपास की चीज़ें देखने के लिए मदद करती है। वी शुड वॉश अवर आइज़ विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर मैनी टाइम्स इन अ डे। हमें हमारी आँखों को साफ़ पानी, साफ़ और ठंडे पानी से अच्छे से रेगुलरली वॉश करते रहना चाहिए। हमें कभी भी ज़्यादा घंटों तक टीवी वॉच नहीं करना चाहिए। हमें बीच में शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहना चाहिए, ना ही कंप्यूटर पर लॉन्ग टाइम तक आपको कोई वर्क करना चाहिए। आपको अपनी आँखों को बीच बीच में कुछ मिनट्स के लिए रेस्ट देना चाहिए। वी शुड वेयर सन ग्लासेस वाइल गोइंग आउट इन ब्राइट सन। जब आप तेज रोशनी में बाहर जा रहे हैं सो आपको सन ग्लासेस पहन के बाहर जाना चाहिए। आपको अपने फूड खाने में फूड स्टफ्स इंक्लूड करने चाहिए, जैसे कि विटामिन ए, फिश, कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। आपको कभी भी अपनी आँखों को रब नहीं करना चाहिए डर्टी हैंड से या फिर डर्टी क्लोथ से, इससे आपकी आँखों में इन्फेक्शन हो सकता है। If we face difficulties in reading or seeing distant object, we should go to a doctor. अगर हमें कुछ भी चीज़ रीड करने में या पास की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। If we wear spectacles, we should get a eye checkup regularly. अगर हमें spectacles लगे हुए हैं, मींस चश्मा चढ़ा हुआ है, सो आपको अपनी आईज रेगुलरली चेक कराती रहना चाहिए। Then ears. ईयर्स भी हमारा एक डेलिकेट ऑर्गन है। हमें हमारे ईयर्स को कभी भी मैच स्टिक या फिर पॉइंटिंग थिंग से क्लीन नहीं करना चाहिए। हम ओनली उन्हें ईयरबड्स की हेल्प से क्लीन करते हैं। डू नॉट पुट हॉट ऑयल टू क्लियर दैम। कभी भी उसमें गर्म तेल नहीं डालना चाहिए अपने ईयर्स को क्लीन करने के लिए। केयर ऑफ नोज़। अब हम नोज़ की केयर कैसे कर सकते हैं? नोज़ इज़ ऑल्सो सेंस ऑर्गन। आपको पता है नोज़ भी हमारी एक सेंस ऑर्गन होती है। हमें कभी भी हमारी नोज़ में फिंगर या फिर पॉइंटेड थिंग्स को इंसर्ट नहीं करना चाहिए, उससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। उसे रेगुलरली डेली हमें सॉफ्ट कॉटन बर्ड या फिर ब्लोइंग से हमें नोज़ साफ़ करके क्लीन कर लेनी चाहिए। डू नॉट पुट ऑयल हॉट ऑयल और वैक्स इन द नोज़ टू क्लियर इट। कभी भी उसमें हॉट ऑयल या फिर वैक्स नहीं डालनी चाहिए उसे क्लीन करने के लिए। इससे क्या होगा, आपकी नोज़ की जो इनर वॉल्स होती है वो डैमेज हो जाएगी। सो यूज़ नेसल ड्रॉप्स टू क्लियर द ब्लॉक नोज़।
नेसल ड्रॉप्स आती है, आपको उसकी हेल्प से अपनी ब्लॉक नोज़ को क्लियर करनी चाहिए। केयर ऑफ टंग, आप टंग को कैसे करते हैं? टंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अ बॉडी, इट हेल्प अस टू टेस्ट डिफरेंट थिंग्स, इट शुड बी क्लीन डेली विद अ सॉफ्ट वेट क्लोथ और अ टंग क्लीनर। टंग भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है आपकी बॉडी का, ये आपको डिफरेंट थिंग्स टेस्ट करने में हेल्प करता है और हमें हमारी टंग को सॉफ्ट या फिर वेट क्लोथ या टंग क्लीनर से क्लीन करनी चाहिए। हमें कभी भी खाना खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए वरना आपकी टंग कट हो सकती है, दांतों के बीच में आके कट लग जाएगी। वी शुड क्लीन आर टंग डेली वाइल ब्रशिंग, ब्रश करते टाइम आपको आपकी टंग हमेशा क्लीन करनी चाहिए। देन केयर ऑफ स्किन, स्किन भी एक सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी बॉडी का, राइट? सो डस्ट पार्टिकल्स एंड डिजीज कॉजिंग जर्म्स सेटल ऑन आर बॉडी। डस्ट पार्टिकल या फिर काफ़ी सारे जर्म्स सेटल हो सकते हैं आपकी स्किन पे, सो हमें हमारी स्किन को केयर करनी चाहिए। विटामिन ए एंड ई जो होता है आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है, सो हमें हमारी डाइट में ऐसे फूड्स इंक्लूड करने चाहिए जो विटामिन ए या विटामिन ई जिसमें अच्छे से हो। इफ़ द स्किन इज स्क्रैच अ कट, वॉश इट विद वाटर एंड अप्लाई सम एंटीसेप्टिक क्रीम। अगर आपकी स्किन पर कोई स्क्रैच है या कोई कट लग गया है तो आपको उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम यूज़ करनी चाहिए। और विंटर्स के टाइम पे आपकी स्किन ड्राई या फिर रफ़ हो जाती है, सो आपको रेगुलरली कोल्ड क्रीम या फिर सम कुछ ऑयल यूज़ करते रहना चाहिए ताकि वो आपकी सॉफ्ट और स्मूथ बनी रहे। इफ़ सम टाइप ऑफ क्लोथ्स और ज्वेलरी कॉज रैशेज ऑन द स्किन, स्टॉप वियरिंग दैम एंड कंसल्ट टू अ डॉक्टर। अगर कुछ ज्वेलरी से, कुछ कपड़ों से आपके स्किन पर रैशेस होने लगे तो उन्हें पहनना बंद कर दो और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। देन रेस्ट एंड स्लीपिंग टाइम, रेस्ट हमारे लिए सबसे अच्छी, हमारी हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमारा डेली रूटीन फिक्स होना चाहिए, हमें रात में 10 बजे सो जाना चाहिए एंड 9 to 10 o'clock तक सो जाना चाहिए। वी शुड लीव द बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें अर्ली मॉर्निंग हमारे बिस्तर छोड़ देना चाहिए। जैसे कि आपकी एक कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड राइज। अगर आप जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे सो आप बहुत हेल्दी रहेंगे, अच्छे से फिट रहोगे और अपना वर्क अच्छे से कर सकते हो। इफ़ यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ अ बॉडी वी विल ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। अगर हम बॉडी की प्रॉपर केयर करेंगे सो हम हमेशा ही हेल्दी और हैप्पी रहेंगे। सो नाउ योर चैप्टर इज़ कम्प्लीट।